प्यारे बच्चों, हाई स्कूल की गणित की इस कक्षा में आज हम आपको समांतर श्रेणी से संबंधित एक्सरसाइज 5.2 के कुछ प्रश्न कराएंगे, जिसमें देखिए पहला प्रश्न जो है वो उसमें अलग अलग प्रकार की एक टेबल बनाई गई है। इसमें ए और डी और एन और ए एन के मान दिए हुए हैं, कुछ दिए हुए हैं, कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, उनको भरना। तो उनको भरना कैसे, उसको सूत्र से द्वारा निकाल कर ही हम भरेंगे। जैसे एन में पद का जो मान है हमारे पास वो क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब अगर हमें एन का मान एक रखना, दो रखना, तीन रखना, इस तरीके से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले सवाल में ए इज इक्वल टू इसमें कितना है, सात है, प्रथम पद सात है, और डी कितना है इसमें, डी इज इक्वल टू सेवन है, और कितने पद निकालने हैं, आठवां पद, एन इज इक्वल टू आठ। तो हम इसमें सूत्र में लगा देंगे, देखिए ए एट इज इक्वल टू सात प्लस एन की जगह आठ माइनस ए, और डी की जगह कितना, सात, डी सात है हमारा, तो कितना हो गया, देखिए सात प्लस डी का मान थ्री है, सॉरी डी का मान इसमें थ्री है, गलत लगा दिया, डी थ्री है, तो डी की वैल्यू इसमें थ्री लगाएंगे। यहाँ पे आठ में से एक गया सात गुणा तीन, तो सात प्लस सातिया इक्कीस, इक्कीस और सात अट्ठाईस। तो इस तरीके से हम इसका मान यहाँ पर क्या लिख देंगे, 28, 28 निकल के आएगा, खाली जगह जो हमारी है बढ़ जाएगी 28। इसी प्रकार से हम देखिए अगला सवाल है इसका सेकंड पार्ट, उसमें क्या क्या दिया हुआ, उसमें हमें D निकालना और A और A दिया हुआ, A कितना है इसमें माइनस 18, D आपको निकालना क्वेश्चन मार्क, और N इसमें 10 दिया हुआ, N की वैल्यू 10 है, और एक दिया हुआ AN जो है वो कितनी दी हुई है हमारे पास, 0। तो देखिए सूत्र लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू 0 और ए का मान इसमें हमारा कितना, माइनस 18 प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1 और डी हमें निकालनी है। तो देखिए 0 इज इक्वल टू माइनस 18 और यहाँ बचा प्लस 9 डी, 9 बचेगा, 18 इधर को लिया है या माइनस 9 इधर लिया है, माइनस 9 डी इज इक्वल टू माइनस 18, माइनस से माइनस कट गया, डी इज इक्वल टू हो गया 18 बटा 9, 9 दूनी 18, डी इज इक्वल टू 2। तो इसकी हमारी डी कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। तो यहाँ पर हम डी का मान 2 भर देंगे। अच्छा, इसके बाद अगला भी देख लें, और कोई बात नहीं है। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, इसमें ए पूछ रहा है, ए नहीं दिया हुआ है, बाकी डी थ्री है माइनस की, माइनस थ्री और एन 18 है और ए माइनस 5 है, ए एन माइनस 5 है। तो देखिए ए एन माइनस 5 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस एन कितना 18 माइनस 1 और डी का मान है माइनस 3। देखिए माइनस 5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में से एक है 17 गुणा माइनस 3, तो माइनस 5 इज इक्वल टू ए माइनस कितना हो गया, 17 या 51, इधर को लिया है इसको, ए माइनस 51 इज इक्वल टू माइनस 5, तो ए इज इक्वल टू हो गया माइनस 5 प्लस 51, तो ए इज इक्वल टू हो गया 51 से 5 गया 46, 46। तो हमारा पहला पद इसका क्या जाएगा, 46। इस तरीके से हम इसके मान निकाल सकते हैं। अब इसमें दो सवाल और बचे, इनको आप स्वयं करें। तो आज के इस पीरियड में बस इतना ही।